Hey guys, welcome to new vlog. बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ. आशा करता हूँ आप सब ठीक हो, हेल्दी वेल्दी, मतलब एक नंबर क्लास. तो अभी मैं हूँ सेवाग्राम वर्धा मेरे घर पे और हम जा रहे हैं पुणा बाय कार, वो भी अपने समृद्धि हाईवे से. अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 4 बजे से उठ के हम कर रहे थे सर्कस. सबने अपनी अपनी सर्कस करने के बाद अभी हम जाने वाले हैं. तो अंधेरा देख सकते हो आप हमारे सेवाग्राम का मॉर्निंग के 5 बजे का. तो अभी चल रहा है समर, बहुत ज्यादा गर्म है भाई, बट फिलहाल तो मॉर्निंग में ठंडा लग रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है. और वैसे ये मेरा आप हाथ देख सकते हो, ये हो गया है फ्रैक्चर. सो मुझे कार चलाने नहीं मिलेगा, इसका अफसोस. तो बाकी तो कोई तकलीफ नहीं. हम कार में बैठ गए, यहाँ पर एरी भी है हमारे साथ, सैम है, महिमा है उस कॉर्नर में, इधर मम्मा है मेरी और यहाँ पे पापा गाड़ी चला रहे. तो हम अभी निकल गए और गाड़ी में काफी अंधेरा है क्योंकि बाहर भी थोड़ा अंधेरा है. तो मैं आपको थोड़ा उजाला आने के बाद मिलता हूँ. तो अभी हम वर्धा के आरवी नाका पे है, यहाँ से हम जा रहे हैं समृद्धि के लिए. यहाँ से आप सीधा जाओगे ना, सीधा तो समृद्धि के हाईवे तक पहुँच जाओगे. गाइस ये जो बजाज आपको दिख रहा है ये बहुत बड़ा कॉलेज है हमारे वर्धा का. यहाँ पे जो लोग भी पढ़ते होंगे या ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप कमेंट जरूर करना कि कॉलेज कैसा है, हो सकता है लोगों को हेल्प मिले. इंजीनियरिंग है या पॉलीटेक्निक है क्या पता, बट काफ़ी अच्छा बनाया गया. अंदर का प्रीमाइसेस तो नहीं देखा मैंने, और बाकी रोड वगैरह बहुत प्यारे बनाए हमारे वर्धा डिस्ट्रिक्ट के. राहुल बजाज सर ने बनाया वो कॉलेज. हम पहुंच गए अभी समृद्धि हाईवे के पास में, जो सीधा जा रहा है आरवी, राइट में नागपुर और लेफ्ट में मुंबई. सो हम जा रहे तो है पुणे, बट अपन जा रहे हैं समृद्धि से. सो समृद्धि हाईवे पे भी हम चढ़ने वाले हैं और समृद्धि हाईवे हम शिरडी के आगे तक, आगे शिरडी के आगे 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर के बाद हम पुणे के लिए लेफ्ट लेंगे सिन्नेर से, ऐसा हम करने वाले हैं. तो फास्ट ट्रैक का रिचार्ज विचार्ज तो मार लिया अपन. दिस इज द एंट्री ऑफ वर्धा समृद्धि हाईवे. तो इट्स टाइम फॉर ब्रेक क्योंकि अपने वॉशरूम जाना है. ऑलमोस्ट हम अभी तक 210-220 किलोमीटर्स ट्रैवल कर चुके हैं और बढ़िया लग रहा है भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम ब्लॉगिंग के साथ. तो फिलहाल अपन वॉशरूम में एंटर कर चुके हैं और वॉशरूम में आने के बाद जो खुशी मिल रही है वो खुशी मैं आपको बता नहीं सकता. और वॉशरूम इज नॉट मेंटेनेंस, ये मिरर भी छोटा है. सो समृद्धि हाईवे पे फिलहाल होटल्स रेस्टोरेंट्स तो बने नहीं है, बट यहाँ पर अपने को फ्रूट्स, जूस, चाय, नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक्स ऐसा लिखा तो है. तो यहाँ पे छाछ भी है तो वी हैव छाछ. भाई छाछ कितने का है? छाछ तू भी सेम छाछ. सो यहाँ पे छाछ आ गया अपना 20 रुपीज. डाल दो, डाल दो. थैंक यू सो मच. तो शुगर डाल रहे हैं. बस बस, थैंक यू सो मच. तेरा कैसा चल रहा है ट्रैवलिंग? यहाँ पे मम्मी खड़ी होगी एकदम, कैमरा चालू किया, कैमरा ज्यादा पसंद है. और यहाँ पे अपना छोटा एरी. एक खास बात बताता हूँ, ये जो थाईलैंड की इमली है ना इतनी मीठी है, ये भाई ने अभी इंट्रोड्यूस करवाया मेरे को, बहुत मीठी. अगर आप यहाँ पर आते हो, कौन सा है ये पेट्रोल पंप? डोंगा. तो यहाँ पर आते हो तो भाई से मिलना और ये इमली जरूर लेना क्योंकि भाई आई विल रेफर यू टू हैव दिस इमली अगर आपको इमली पसंद है. बढ़िया गुड है ना, गुड सर की गुड. यू नो व्हाट इज गुड? गुड मतलब जैगरी, राइट जैगरी. तो हमने ये लिया 120 का, कितना है 120 का? एक पॉप. गाइस अभी हमने एक स्टॉप लिए है टनल के पास और यहाँ पर हमारी एक फैमिली है तो हम इनको मिल लेते हैं. ये हमें हमारा भाई श्रद्धा इन इन में. अभी हम सिन्नेर के 30 किलोमीटर की दूरी पर रहे
सिन्नर से हम ले लेंगे लेफ्ट, मतलब बाहर निकल जाएंगे हम समृद्धि से और फिर पुणे की तरफ जाएंगे जो 170 किलोमीटर सिन्नर से रहेगा। तो ये हाईवे अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा 50 किलोमीटर का राउंड ज़्यादा रहेगा बट हाईवे अच्छा मिलेगा अपने को, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। और वैसे यहाँ की धूप बिल्कुल भी नहीं लग रही भाई, अपने की धूप तो आपको पता है कैसे, बट यहाँ की मतलब इट्स लाइक चिल, बहुत मजा आ रही है इधर की हवा भी बहुत ठंडी। तो भाई नागपुर वाले इस तरफ में आना पड़ता पुणे की तरफ अपने को अगर ठंडी चाहिए थोड़ी, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे टेम्परेचर है फिलहाल। चलिए फिर निकलते हैं। तो हम समृद्धि से आ गए हैं अभी नासिक हाईवे पे, अभी बज रहे हैं नियर अबाउट 11:45 और अपन निकले थे 5 बजे। अभी यहाँ से और 160 किलोमीटर पुणे हैं। तो हमने टिफिन में चिकन लाया, ये शेंगदाने की चटनी है, पराठे और यहाँ से भी हमने दाल फ्राई वगैरह ऑर्डर किया। तो बहुत भूख लगी भाई, बहुत भूख लगी। पुणेला। तो भाई ये होटल के बाजू में यहाँ पे बढ़िया पलंग वगैरह लग रखा हुआ है, इतना सही लग रहा है ना, छाव में बैठ पा रहे भाई इधर। हमारे विदर्भ में हम बैठ नहीं सकते ऐसे छाव में, धूप का ले बहुत ज़्यादा धूप है। तो ट्रैवलिंग बहुत अच्छा चल रहा है अपना, अगर आप नागपुर से पुणे आना चाहते हो तो आप सिन्नर तक आ जाए समृद्धि से। अभी हम निकल गए हैं यहाँ से 160 किलोमीटर वो ड्राइव करने वाले हैं, मतलब चलने वाले हैं गाड़ी में, और फिर हम पहुँच जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन पर।